हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम सेकेंड ईयर की में अपन जैकोबियन अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। अपनी जो बुक थी वो था अपने पास मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर, अपन ने स्टार्ट किया था जिसमें मैंने डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्व से रिलेटेड सभी कंसेप्ट बता दिए थे। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। उसके बाद अपन ने जैकोबियन पढ़ लिया था। जैकोबियन के बाद अपना एक नया चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रदिश, जिसे बोलते हैं अपन टेंसर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि टेंसर क्या होता है, टेंसर किसे कहते हैं, टेंसर का कहाँ पर यूज होता है, वो चीज़ें आपको देखनी है। तो टेंसर का कंसेप्ट समझना है आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। और इसमें ये जो पूरा चैप्टर है ये भी क्या अपना यूनिट फर्स्ट में ही है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा है। पर इस पहले तो इसको थ्योरेटिकल समझना है कि इसमें क्या क्या होता है, फिर इसके कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, फिर इसके कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे वो भी करेंगे। तो देखो, टेंसर की बात करते तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसको समझाने के लिए कहाँ पे, क्लास 11th में। तो क्लास 11th में आपने सुना होगा कि भौतिक राशि क्या होती है, सुना है सभी ने कि भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, कोई बता सकता है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि को यानी वहां पे क्या मीनिंग निकाला था, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु को मापना, तोलना, ये सब क्या है, अपने पास भौतिक राशि होती है। यानी किसी भी वस्तु को या घटित घटनाओं की व्याख्या करने के लिए जिस वर्ड का यूज लिया जाता है। मान लेते हैं कि कोई भी प्रकृति में उपस्थित कोई भी घटना हो रही है, मान लिया कि कोई भी एक पार्टिकल था, मान लेते हैं कि ये क्या है, अपने पास एम द्रव्यमान का एक पार्टिकल है, ए पॉइंट पे था, कुछ समय बाद वो कहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। यानी देखो उसमें क्या क्या हुआ, एक तो उसकी स्थिति चेंज हुई, यानी क्या क्या चेंज हुआ उसमें, एक तो वेग, उस जब पार्टिकल पर वेग लगा तब वो पार्टिकल ए से बी पर गया, उसमें टाइम में भी चेंज हुआ होगा, कुछ समय पहले वो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ जाने में भी कुछ समय लगा होगा। तो ये सब अपने क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। यानी किसी भी घटित घटनाओं की जो व्याख्या करता है वही क्या कहलाती है, अपनी एक भौतिक राशि कहलाती है। इसको अपन ने दो टाइप में 11th क्लास में आपने दो टाइप में पढ़ा था, एक तो स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो उसी तरह से मैं टेंसर को भी आपको यहाँ क्लास 11th के बेस से इसलिए ले रहा हूँ कि स्टार्टिंग से आपको समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं यदि भौतिक राशि की बात करूँ, किसकी बात करूँ, भौतिक राशि की। तो भौतिक राशि आप जानते हो कि भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। यदि मैं वर्ड लिख लूँ यहाँ पे किसकी, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो भौतिक राशि होती है वो क्या होती है, तो वही किसी प्रकृति में जो घटनी घटनाओं की व्याख्या करती है वही अपनी क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। यानी घटित घटनाओं की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है। एक मिनट में इस कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। तो देखो, मैं कह सकता हूँ कि जो भौतिक राशि होती है प्रकृति में सभी घटनाओं की व्याख्या करती है या घटित होने वाली घटना की व्याख्या करती है वो क्या कहलाती है, भौतिक राशि। जैसे वेग हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब क्या, अपने पास वेग, त्वरण और जड़त्व, आगुण हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि कहलाती है। जो अपन फिजिक्स में जो भी वर्ड काम में लेते हैं, जो भी फिजिकल टर्म काम में लेते हैं, वो सब क्या अपने पास एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। अब अपन कह सकते हैं कि भौतिक राशि को मैं यदि अपन ने दो टाइप में तो बांट चुके हैं पहले, यदि मैं इसको दो टाइप में बांटूं, यानी अपन जानते हैं कि इसको मैं, एक तो जानते हो आप क्या जानते हो, एक तो अपन जानते हैं कि अदिश राशि, क्या, अदिश राशि, और दूसरी आप जानते हो कौन सी, सदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। तो देखो, इसको मैं पहले डिफाइन करना चाहता हूँ कि अदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्या होता है। तो स्केलर क्या होता है आप जानते हो, स्केलर, और ये क्या होता है अपना एक वेक्टर। तो देखो, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या रहता है, अदिश में क्या होता है, जो अदिश राशि होती है यानी स्केलर होता है, उसमें केवल क्या आता है अपना, केवल परिमाण आता है। क्या आता है, केवल परिमाण आता है, यानी जो भी घटनाओं की है उसमें केवल मैग्नीट्यूड की व्याख्या होती है, मैग्नीट्यूड को शो करता है। वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी व्याख्या होती है, यानी परिमाण भी होता है और क्या होती है, परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। क्या होता है, दिशा का भी ज्ञान होता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की व्याख्या होती है, वो किसमें होती है, इसमें होती है। अब यदि मैं देखो, एक तो हो गया अदिश, एक हो गया सदिश, ये आप दो तो पढ़ चुके हो, अब मैं तीसरी की व्याख्या करूं, तीसरा होता है अपने पास कौन सा, प्रदिश, जिसे बोलते हैं अपन टेंसर, जिसे क्या बोलते हैं अपन, टेंसर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड को शो करता है, ये हो गया अपने पास किसका, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी शो करता है। यदि मैं टेंसर की बात करूँ तो टेंसर एक तरह से क्या, इन दोनों का जो व्यापक रूप होगा यानी स्केलर भी होगा और वेक्टर भी होगा, वही अपना क्या कहलाता है, प्रदिश कहलाता है। यानी अदिश और सदिश को यदि दोनों को मिला दिया जाए तो वो एक तरह से अपना क्या कहलाएगा, टेंसर कहलाएगा, कहलाएगा टेंसर। देखो, एक टेंसर को समझाने के लिए मैं एक वर्ड काम में लेता हूँ, आपने सुना होगा जड़त्व, आगुण।
आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ी है? मैंने ही पढ़ाई थी बहुत जनों को, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने ये टॉपिक तो पढ़ाई होगा, जड़त्व आघूर्ण। वहाँ पे अपने एक मैट्रिक्स आती है जे इज इक्वल टू आई वेक्टर और ओमेगा वेक्टर, ऐसी कोई मैट्रिक्स आती है, ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी है आपने? जे कोणीय संवेग हो गया, आई क्या हो गया, यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये क्या है अपना ओमेगा है। तो अब यहाँ पे क्या है अपने पास, यदि आई की आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो अपन ने इस तरह से मैट्रिक्स लिखी थी आई एक्स एक्स आई एक्स वाई और आई एक्स जेड, ठीक है, ऐसे लिखा था अपन ने आई वाई एक्स आई वाई वाई और आई वाई जेड, ठीक है, ऐसे लिखा था अपन ने आई जेड एक्स आई जेड वाई और आई जेड जेड, तो इस तरह से अपन ने एक तरह से मैट्रिक्स बनाई थी। तो ये अपना क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण। तो ये भी जब अपन इस फॉर्म में कोई व्याख्या करते हैं, यानी मान लिया कि ये एक मैट्रिक्स है, तो अपन कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है, पर ये मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स होगी वो टेंसर होगा, बिल्कुल नहीं, जो मैट्रिक्स होगी वो टेंसर नहीं होगा, जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो टेंसर होगा। क्या होगा ये अपन कह सकते हैं कि इसकी रैंक कितनी है, तो इसकी रैंक अपन कितनी मानते हैं, 3 मानते हैं, यानी जो भी वर्ड आएगा यानी जो भी टेंसर आएगा उसकी भी क्या होगी, कुछ ना कुछ रैंक होगी, उसकी भी क्या होगी, कुछ ना कुछ कोटि होगी, तो वही कहलाती है अपनी टेंसर। तो देखो यदि मैं बात करता हूँ कि यदि मैं 3D फॉर्म की बात करता हूँ, मान लो कि एन स्पेस है कोई भी त्रिवी में, आकाश की बात करें तो उसमें मान लिया कि जो स्पेस की रैंक मानी गई है वो कितनी मानी है, एन कोटि, कितनी मानी है अपन ने, एन कोटि। देखो एक मैं बात करता हूँ, इसमें यदि एन कोटि की मानी गई है, यदि मैं मान लेता हूँ कि अपन जो टेंसर में जो सदिश समूह व्याख्या करता है, यानी टेंसर को जो कोटि निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, ये वाला 3 की पावर n, यानी यदि n कोटि है तो ये क्या हो गया अपना एक तरह से टेंसर का रूप कहलाएगा, यानी इसको अपन टेंसर के फॉर्म में मान सकते हैं। अब ये क्या हो गया, देखो टेंसर निकालने के लिए क्या होगा, इसमें जो 3 की पावर n है, तो यदि 3 की पावर में क्या ले लूँ, n की जगह 0 ले लूँ, यानी 3 की पावर 0 n इज इक्वल टू 0 ले लूँ, यानी इसकी कोटि कितनी है, 0 है, यानी ये रिजल्ट कितना आएगा अपना, 1 आएगा। तो जब ये वाला रिजल्ट 1 आएगा, यानी ये वाली जो राशि कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, अपनी स्केलर कहलाती है, कौन सी कहलाती है, स्केलर, यानी 3 की पावर 0 कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा अपना, स्केलर। ऐसे ही मैं सदिश की बात करूं तो इसकी कोटि होती है वो कितनी होती है, इसकी रैंक होती है वो कितनी होती है, इसकी रैंक होती है अपने पास 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा अपना, 3। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो अदिश और सदिश है वो भी क्या है अपना, एक तरह से टेंसर है, यानी चेंजेस क्या होगा इसमें, टेंसर यानी जो अदिश है वो भी एक टेंसर है, जो सदिश है वो भी एक टेंसर है, जो प्रदिश है वो भी क्या एक टेंसर है, यानी जो अदिश और सदिश दोनों की व्याख्या यदि इसमें व्यापक रूप से यानी दोनों को साथ मिला के की जाए तो अपना क्या हो जाएगा, प्रदिश हो जाएगा। यदि इसकी कोटि, यदि इसकी रैंक की बात करें तो कोई भी प्रदिश मान लिया, प्रदिश की कोई भी रैंक या कोटि कितनी है, 0 है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ये कैसी राशि है अपने पास, स्केलर है। यदि 3 की पावर 1 आता है यानी इसकी रैंक कितनी है, 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाकी इसमें जो प्रदिश होता है उसको अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, 3 की पावर n की फॉर्म में, और ये n क्या शो करेगा, उसकी रैंक शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अदिश क्या है, सदिश क्या है और प्रदिश क्या है, तो तीनों एक जैसे वर्ड है, अदिश सदिश और प्रदिश। अदिश जो प्रदिश है वो एक अदिश का ही क्या है, जो अदिश और सदिश है वो एक तरह से प्रदिश का ही क्या है, रूप है, यानी कह सकते हैं कि जो स्केलर और वेक्टर है वो एक तरह से क्या है, टेंसर के ही फॉर्म है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा अपना, अदिश प्रदिश और सदिश। तो एक बार मैं इन तीनों को लिखा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते इसके टाइप्स पर बढ़ेंगे। तो इसमें हेडिंग लगा लीजिए, अदिश आप जानते हो कौन कौन से फलन होते हैं, विद्युत विभव हो गया, सदिश कौन सा होता है, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और प्रदिश कौन सा होता है, जड़त्व आघूर्ण जैसी टर्म हो गई, विद्युत प्रवृत्ति हो गई यानी इलेक्ट्रिक सस्पेंडेबिलिटी हो गई या पारगम्यता हो गई, वो सब किस में आते हैं, टेंसर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं जो लिखाता हूँ वो एक बार लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स पर जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे थ्योरी है, तो पहले थ्योरी को आप लिख दीजिए नोट्स के रूप में, तो आप लगाइए चैप्टर का नेम लगा लीजिए कि टेंसर प्रदिश, और उसके आगे फर्स्ट टॉपिक लगाइए भौतिक राशि, क्या लगाना है आपको, भौतिक राशि। तो जैसे जैसे मैं लिखवाता हूँ वैसे लिखते जाइए भौतिक राशि, और भौतिक राशि लगा के लिखिए, भौतिक विज्ञान में वह कारक जिसके द्वारा घटित घटनाओं की व्याख्या की जाए, भौतिक विज्ञान में वह कारक जिसके द्वारा घटित घटनाओं की व्याख्या की जाए भौतिक राशि कहलाती है,
भौतिक राशि कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, भौतिक राशि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, भौतिक राशि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए अदिश भौतिक राशि, फर्स्ट लिखिए अदिश भौतिक राशि, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, अदिश भौतिक राशि। सेकंड लिखिए सदिश भौतिक राशि, सेकंड लिखिए सदिश भौतिक राशि, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड लिखिए प्रदिश भौतिक राशि। थर्ड लिखिए प्रदिश भौतिक राशि। अब इसमें वापस फर्स्ट पॉइंट लगाइए अदिश भौतिक राशि, वापस फर्स्ट पॉइंट लगाइए अदिश भौतिक राशि, और इसमें लिखिए अदिश भौतिक राशि लगाकर लिखिए वह भौतिक राशि जिसमें केवल, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण का ज्ञान हो, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण का ज्ञान हो, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण का ज्ञान हो अदिश भौतिक राशि कहलाती है, अदिश भौतिक राशि कहलाती है। अर्थात शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि, अर्थात शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि, शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि, शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि अदिश भौतिक राशि कहलाती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। कोटि क्या लिखा है मैंने कि जो टेंसर है ये अपनी जो 3 की पावर n थी वो क्या थी, अपनी टेंसर की फॉर्म थी। इसकी यदि कोटि क्या हो जाए यानी उसकी रैंक क्या हो जाए, यदि शून्य हो जाए, 3 की पावर 0 हो जाए तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अदिश अपन जानते केवल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है, और इसकी जो रैंक मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 0। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रदिश की जो प्रदिश भौतिक राशि है उसकी यदि रैंक 0 हो तो वो क्या कहलाएगी, अपनी एक अदिश भौतिक राशि कहलाएगी। दूसरा इसमें एग्जाम्पल करके लिख लीजिए विद्युत विभव फ्लक्स, विद्युत विभव फ्लक्स, द्रव्यमान और दूरी, कॉमा करके लिख लेना, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव फ्लक्स, द्रव्यमान और दूरी, ये सब क्या कैसी राशि अपने पास, अदिश राशि है। यानी ये सब किसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रो पोटेंशियल या ओनली पोटेंशियल भी लिख सकते हो, फ्लक्स लिख सकते हो, मास लिख सकते हो, डिस्टेंस लिख सकते हो, ये सब क्या है अपने पास, स्केलर है। ऐसे ही फिर दूसरा पॉइंट लगाइए सदिश भौतिक राशि, दूसरा पॉइंट लगाइए सदिश भौतिक राशि, उसमें लिखिए वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो सदिश भौतिक राशि कहलाती है, सदिश भौतिक राशि कहलाती है, सदिश भौतिक राशि कहलाती है। और प्रथम कोटि की प्रदिश भौतिक राशि ही, और प्रथम कोटि की प्रदिश भौतिक राशि ही, प्रथम कोटि की प्रदिश भौतिक राशि ही सदिश भौतिक राशि कहलाती है, प्रथम कोटि की ही प्रदिश भौतिक राशि की सदिश राशि, सदिश भौतिक राशि कहलाती है। क्या लिखा है, क्योंकि जो वेक्टर होता है उसमें आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। और यदि टेंसर की फॉर्म में बात करें तो टेंसर की रैंक कितनी होनी चाहिए अपने पास, 1 होनी चाहिए, इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये वाला क्या कहलाएगा, अपना एक तरह से वैक्टर कहलाएगा। थर्ड लगाइए प्रदिश भौतिक राशि,
थर्ड लगाइए प्रदिश भौतिक राशि, इसमें लिखिए अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि का व्यापक रूप। इसमें लिखिए अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि का व्यापक रूप। अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि का व्यापक रूप। अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि का व्यापक रूप। प्रदिश भौतिक राशि कहलाता है। प्रदिश भौतिक राशि कहलाता है जिसमें दिशा के साथ साथ जिसमें दिशा के साथ साथ जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी परिवर्तित होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, यानी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, चेंज होता जाता है। दिशा के साथ साथ परिमाण भी परिवर्तित होता है, प्रदिश भौतिक राशि कहलाती है। प्रदिश भौतिक राशि कहलाती है इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए जड़त्व अवगुण। जड़त्व अवगुण विद्युत चालकता, प्रत्यास्थता गुणांक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्या क्या, जड़त्व अवगुण हो गया, आई विद्युत चालकता जिसे अपन सिग्मा से लिखते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक भी किससे लिखते हैं अपन, सिग्मा से, यानी ये सब आपने टर्म पढ़ी रखी है, तो ये सब किस में आते हैं, टेंसर में, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स के रूप में या एक रैंक के फॉर्म में अपन किसी भी चीज़ को व्यक्त करें तो वो अपना क्या कहलाता है, एक तरह से टेंसर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, अदिश भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि और प्रदिश भौतिक राशि, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो होता क्या, इसमें परिमाण होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, चेंज होता है। यदि मैं रैंक की बात करूँ तो इसकी रैंक कितनी होती है, जीरो होती है, इसकी रैंक कितनी होती है, वन होती है, और इसकी रैंक कितनी होती है, थ्री की पावर एन होती है। इसके अपने एग्जाम्पल नहीं लिखे तो इसके भी एग्जाम्पल लिख लो, जो बीच में अपन ने लिखा था सदिश भौतिक राशि के, वो एग्जाम्पल लिख लो। विद्युत क्षेत्र, इसके एग्जाम्पल लिख लो, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब किसके है, इसके एग्जाम्पल है। तो ये सब जानते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत नहीं है अपन को। तो ये सब क्या हो गए अपने पास, अदिश भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि और प्रदिश भौतिक राशि। तो ये तो क्या हो गया अपना एक छोटा सा कंसेप्ट था कि अदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं, सदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं और प्रदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो मेन ये कंसेप्ट था वो किसका था, मेन कंसेप्ट ये किसका था, टेंसर का। तो अपन कह सकते हैं कि टेंसर एक तरह से अदिश भी है और सदिश भी है, और अदिश और सदिश दोनों को मिलाकर यदि डिनोट करें तो वो क्या है अपना, एक तरह से टेंसर है। और ये कह सकते हैं कि टेंसर की कोटि यदि जीरो है तो वो अदिश राशि होगी, यदि टेंसर की रैंक कितनी हो, वन हो, तो वो कौन सी होगी, वेक्टर होगी, और इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रदिश शो करता है वो हमेशा त्रिविमीय आकाश में, यानी एक पूरे सर्किट में, त्रिविमीय आकाश यानी पूरे स्पेस में शो करता है। तो स्पेस के लिए मैं क्या लिखता हूँ, उसको 3n लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक टेंसर का कंसेप्ट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कुछ टेंसर को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो आपने लिख ही दिया होगा। अब अपन बात करते हैं टेंसर के टाइप्स के, यानी टेंसर के कितने टाइप्स होते हैं उसके बात करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ टेंसर, यानी जो प्रदिश भौतिक राशि होती है वो कितने प्रकार की होती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, प्रदिश भौतिक राशि के प्रकार, किसकी बात करते हैं अपन, प्रदिश भौतिक राशि के प्रकार। प्रदिश भौतिक राशि के प्रकार यानी कह सकते हैं इसे क्या, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी टेंसर ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या, टाइप्स ऑफ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिखा है टाइप्स ऑफ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको मैं अपन को, इसको अब कितने प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ये चीज आपको देखनी है कि प्रदिश भौतिक राशि होती है वो कितने टाइप की होती है, जिसमें अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसकी टर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो और कैसे इसको डिनोट करते हैं वो होता है। तो इसमें देखो अपने पास जो इसको टाइप्स बताया है वो तीन टाइप्स बताए हैं इसके, कौन कौन से,
इसमें आपके तीन टाइप्स बताए गए, कौन कौन से? देखो, फर्स्ट तो बताया गया अपना प्रतिचर, क्या बताया गया? प्रतिचर। सेकंड बताया गया सचर, सेकंड क्या बताया गया है? सचर। और थर्ड बताया गया अपने को मिश्रित, थर्ड बताया गया अपन को मिश्रित। अब इन तीन, मान लिया कि अपने पास जो टेंसर था, टेंसर को तीन टाइप में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रतिचर, दूसरा सहचर और तीसरा मिश्रित। इसके मैं इंग्लिश वर्ड भी लिख लेता हूँ, इसको तो कहते हैं कॉन्ट्रावेरियन। कॉन्ट्रावेरियंट, कोवेरियंट, और इसको कहते हैं मिक्स्ड टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रावेरियंट, कोवेरियंट, और थर्ड वाला क्या है अपने पास? मिश्रित, यानी उसका क्या होगा? मिश्रित यानी मिक्स्ड टेंसर, यानी जो फर्स्ट और सेकंड का है वही क्या हो जाएगा अपने पास? मिश्रित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास कॉन्ट्रावेरियंट, VARIANT आता है, VARIANT आता है, ठीक है, कॉन्ट्रावेरियंट, कोवेरियंट और कॉन्ट्रावेरियंट। तो देखो अपने पास फर्स्ट क्या हो गया? प्रतिचर हो गया, दूसरा सहचर हो गया, तीसरा मिक्स्ड हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे टाइप्स में बांटोगे, ये चीज आपको देखनी है। तो मान लिया कि अपने पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ए। आपने दो वर्ड सुने गए, एक तो सुपर स्क्रिप्ट, एक सब स्क्रिप्ट, यानी एक तो जिसे बोलते हैं शीर्षांक, एक बोलते हैं पदांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्षांक। दूसरा को बोलते हैं पादांक या पदांक, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं अपन सब स्क्रिप्ट। दोनों में मीनिंग आपको पता ही होगा कि शीर्षांक किसे कहते हैं, पादांक किसे कहते हैं। तो इसमें जो टेंसर की कोई भी टर्म होती है उसको अपन डिनोट करने का तरीका होता है। तो मान लिया कि अपने पास कोई भी टेंसर है, मान लिया कि अपने पास कोई भी टेंसर की टर्म है ए, मान लिया क्या है अपने पास कोई भी टेंसर की टर्म है ए, यदि उसको मैं जो इसका संकेत होता है, मान लिया कि इसको संकेत को डिनोट करना है आई जे के से, ठीक है, तो मैं यदि इसको यदि ए आई की फॉर्म में लिखूं, तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा है? ये मैंने लिखा है सुपर स्क्रिप्ट में, यानी जो टेंसर की फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? प्रतिचर होगी। यानी अब मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं जो ए आई यानी जो अपने पास संकेत था वो कहाँ लिखूँ? ऊपर लिखूँ, शीर्षांक यानी टॉप पे लिखूँ, जो अपना प्रति फिजिकल क्वांटिटी है उसके टॉप पे लिखूँ, यानी मैं क्या लिखूँ इसको? इस फॉर्म में लिखूँ ए आई, तब तो ये कौन सा टेंसर होगा? कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर होगा, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी? प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। यदि मैं इसको सब स्क्रिप्ट में लिखूँ, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कैसे लिख दूँ? ए आई, तो ये कौन सी कहलाएगी? ये अपनी कहलाएगी कोवेरिएंट, क्योंकि ये मैंने कहाँ लिखा है? इसके पादांक में, यानी उसके नीचे लिखा है, सब स्क्रिप्ट में लिखा है। तो ये वाला जो अपना होगा वो क्या होगा? कोवेरिएंट होगा, यानी सहचर प्रदिश भौतिक राशि होगी। यदि मैं मिश्रित की बात करूँ, तो मिश्रित में क्या होता है? प्रतिचर और सहचर दोनों का मिक्सअप होता है, यानी जो इसको डिनोट करेंगे वो कैसे करेंगे? ए आई और ए जे, यानी शीर्षांक में भी आएगा और पादांक में भी आएगा, सुपर स्क्रिप्ट में भी आएगा, सब स्क्रिप्ट में भी आएगा, तो वो कौन सा कहलाएगा? अपना मिक्सड टेंसर। तो इन तीनों टर्म को अपन को एक्सप्लेन करके लिखना है कि प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं, सहचर प्रदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं, और मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो आपने टॉपिक लगा दिया, हो गया प्रदिश भौतिक राशि के प्रकार। इसमें लिखिए प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण, इसमें लिखिए कि प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण सूचकांक के आधार पर किया जाता है। प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सूचकांक यानी हिंदी में वर्ड लिखे तो ये सूचकांक के आधार पर किया जाता है। प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सूचकांक के आधार पर प्रदिश भौतिक राशि तीन प्रकार की होती है। सूचकांक के आधार पर प्रदिश भौतिक राशि तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि, प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि। यानी इसको आप क्या लिखोगे? प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि, यानी कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा? कॉन्ट्रावेरियंट
देखो इसको इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो ये बिल्कुल अलग वर्ड रहेंगे। प्रतिचर और सहचर याद रहना मुश्किल है। ये कॉन्ट्रावेरिएंट, ये कोवेरिएंट और वो मिक्सड, ऐसे याद रखना आप। तो फर्स्ट लिखिए प्रतिचर, प्रदेश भौतिक राशि, और इसमें लिखिए फिर फर्स्ट लगा के लिखिए प्रतिचर प्रदेश भौतिक राशि, और इसमें लिखिए वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक, वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक शीर्षांक के रूप में उपस्थित हो, वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक शीर्षांक के रूप में या शीर्षांक के रूप में उपस्थित हो, यानी सुपरस्क्रिप्ट के रूप में उपस्थित हो, तो वह प्रतिचर प्रदेश भौतिक राशि कहलाती है। तो वह प्रतिचर प्रदेश भौतिक राशि कहलाती है। तो वह प्रतिचर प्रदेश भौतिक राशि कहलाती है। यदि ए एक प्रतिचर प्रदेश भौतिक राशि है, कैपिटल ए, यदि ए एक प्रतिचर प्रदेश भौतिक राशि है, यदि ए एक प्रतिचर प्रदेश भौतिक राशि है तो इसे ए आई से व्यक्त करेंगे। तो इसे ए आई का लिखना है शीर्षांक के रूप में, सुपरस्क्रिप्ट के रूप में, यानी ए आई से व्यक्त करेंगे। तो इसे ए आई से व्यक्त करेंगे। लिख दिया होगा ए आई। फिर दूसरा लगाइए सहचर प्रदेश भौतिक राशि, दूसरा लगाइए सहचर प्रदेश भौतिक राशि, दूसरा ये पॉइंट जो मैंने बताया था सहचर प्रदेश भौतिक राशि। सहचर प्रदेश भौतिक राशि यानी इसको मैं लिख सकता हूं कोवेरिएंट। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका क्या होगा, इसमें होगा वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक, इसमें लिखिए वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक, वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक पादांक के रूप में उपस्थित हो, पादांक के रूप में उपस्थित हो, पादांक यानी सबस्क्रिप्ट के रूप में उपस्थित हो, जिसमें सूचकांक सबस्क्रिप्ट यानी पादांक के रूप में उपस्थित हो, सहचर प्रदेश भौतिक राशि कहलाती है। सहचर प्रदेश भौतिक राशि कहलाती है। सहचर प्रदेश भौतिक राशि कहलाती है। यदि कैपिटल ए एक सहचर प्रदेश भौतिक राशि है, यदि कैपिटल ए एक सहचर प्रदेश भौतिक राशि है, यदि कैपिटल ए एक सहचर प्रदेश भौतिक राशि है तो इसे ए आई से व्यक्त करते हैं, तो इसे ए आई से व्यक्त करते हैं, तो इसे ए आई, या फिर आप काम करो यहाँ पे यदि आई लिखा है तो यहाँ क्या कर लो जे कर लो, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ए जे से व्यक्त करते हैं, इसे कैसे लिख लो ए जे से, नहीं तो ये दोनों आप सेम सेम हो जाएंगे कहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने ए की पावर आई, और यहाँ पे क्या पे लिखा है पादांक सूचकांक को कहाँ लिखा है नीचे सब स्क्रिप्ट में लिखा है, और क्या लिखा है जे, तो इसे ए जे से व्यक्त करते हैं। फिर थर्ड लगाइए मिश्रित प्रदेश भौतिक राशि, थर्ड लगाइए मिश्रित प्रदेश भौतिक राशि। यानी मिक्स्ड टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, मिक्स्ड टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, इसमें लिखिए मिक्स्ड टेंसर में कि वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक, वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक, वह प्रदेश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक शीर्षांक और पादांक दोनों के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें सूचकांक
शीर्षांक और पादांक दोनों के रूप में उपस्थित होता है। वह प्रदिश भौतिक राशि जिसमें सूचकांक शीर्षांक और पादांक दोनों के रूप में उपस्थित होता है वह मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि कहलाती है। वह मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि कहलाती है। यदि कैपिटल ए एक मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि है यदि कैपिटल ए एक मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि है तो इसे ए आई जे से व्यक्त करते हैं। जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ए आई जे से व्यक्त करते हैं, यानी सब स्क्रिप्ट में भी होगा और क्या होगा सुपर स्क्रिप्ट में भी होगा। तो यहाँ पे केवल क्या था जो प्रतिचर की बात कर रहे थे तो सुपर स्क्रिप्ट यानी कहाँ था शीर्षांक के रूप में, ये था सब स्क्रिप्ट के रूप में, ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों के रूप में था। तो यही अपने क्या हो जाएंगे टेंसर के टाइप्स हो जाएंगे, यानी इसके तीन वर्ड आते हैं कॉन्ट्रा वेरियंट एक आता है, कोवेरिएंट एक आता है, मिक्स्ड। तो देखो कंपटीशन एग्जाम होते हैं इसमें एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सा एक ऐसा कोई भी वर्ड दे देगा और बताए वहां पर सीधा सा ऑप्शन दे देता है कि इसको पहचानिए कि ये कौन सा टेंसर है, कॉन्ट्रा वेरियंट है, कोवेरिएंट है या मिक्स्ड है। तो इसमें कोई भी वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। और जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि कोटे वाला, यानी मान लेते हैं कि कोई भी टेंसर दे दिया, मान लिया कि कोई भी टेंसर दे दो, टेंसर के बता दिया कि कोटि कितनी है उसकी, वन है तो बताइए कि वो अदिश होगा, अदिश होगा, सदिश होगा, बताइए इसका आंसर। यदि मान लिया कि कोई भी कोटि दे रखी है या किसी की रैंक क्या दे रखी है, वन दे रखी है और ये ऑप्शन दे रखे है अदिश सदिश, सी दे रखा है प्रदिश और डी दे रखा है बी व सी दोनों, तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें। यदि किसी की कोटी वन होती है तो इसके पहले ही मैंने बताया कि कोटी जीरो होती है वो तो कौन सा होता है स्केलर होता है, यहाँ पे कोटी कितनी रैंक कितनी दे रखी है वन, तो रैंक वन एक तो क्या होता है सदिश होता है और जो प्रदिश है वो सदिश का ही रूप है, यानी ये प्रदिश भी होगा सदिश भी होगा, यानी बी और सी क्या होंगे दोनों होंगे, इसका मतलब ये आंसर राइट होगा। बहुत जने जल्दी जल्दी में इस आंसर को राइट मान के आ जाते हैं पर ये क्या होता है रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें प्रदिश भी है। यदि प्रदिश नहीं होता, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, बी और सी दोनों नहीं होते तो इसमें ये वाला आंसर राइट माना जाता, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में काम के होते हैं और टेंसर हमेशा मैथमेटिक्स में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है, इसलिए ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास इसके टाइप्स की बातें, तो समझ में आ गया हो गया। टेंसर आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है इसलिए मैं इसको आराम से समझाते हुए चल रहा हूँ धीरे धीरे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉनेकर डेल्टा, नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या क्रॉनेकर डेल्टा, सुना होगा नाम, यदि मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है तो इसमें भी सुना होगा क्रॉनेकर डेल्टा। क्रॉनेकर डेल्टा देखो ये एक तरह से क्या है, इसको मैं बात करूं तो ये एक तरह से मैथमेटिकल का फंक्शन होता है जिसे अपन कैसे लिखते हैं डेल आई जे से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं डेल आई जे। देखो ये आप वर्ड आपने सुना होगा कि क्रॉनेकर डेल्टा एक फंक्शन होता है, इसको डेल आई जे से लिखती है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। और ये क्या बताता है, ये कोई भी टेंसर रूप होता है, मान लिया कि कोई भी टेंसर रूप है, यानी ये मान इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये कौन सा टेंसर हो गया, बताइए कौन सा टेंसर हो गया कॉन्ट्रा वेरियंट, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये कौन सा हो गया कोवेरिएंट, यदि मैं इसको डेल आई जे की फॉर्म में लिख दूं तो ये कौन सा हो गया मिश्रित, यानी तीनों टेंसर है अपने पास, तो ये वाला जो कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा मिक्स्ड टेंसर की फॉर्म में कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा वो कॉन्ट्रा वेरिएंट, ये कहलाएगा अपना कोवेरिएंट। तो ये एक तरह से क्या है, एक टेंसर की फॉर्म होती है, टेंसर की फॉर्म का ही एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रॉनेकर डेल्टा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो क्रॉनेकर डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, अपने पास कोई भी टर्म है ऐसी डेल आई जे, तो जो क्रॉनेकर डेल्टा होता है वो क्या होता है, इसको आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यदि मैं एस निर्देश तंत्र की बात करूँ, ठीक है, मान लिया कि कोई सा भी निर्देश तंत्र है तो इसको अपन इस तरह से लिखते हैं कि डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स जे, कैसे लिखते हैं डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स जे। तो ये अपनी जो होती है वही क्या होती है अपने पास क्रॉनेकर डेल्टा की फंक्शन होती है। तो यदि मैं बात करूँ कौन से निर्देश तंत्र की, मान लेते हैं अपन दो निर्देश तंत्र पढ़ते आ रहे, मान लेते हैं कि कोई एक स्थिर निर्देश तंत्र होता है, मान लिया कि कोई एस निर्देश तंत्र है, ठीक है, एक मान लिया कि एक एस डैश निर्देश तंत्र है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे डेल आई जे, ये बार के फॉर्म में होगा। जब एस डैश की बात करेंगे तो इसमें जो राशि आएगी वो कैसी आएगी
डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे, ये वाला आएगा, ठीक है। तो जो एस डैश की बात करेंगे तो ये आएगा, एस की बात करेंगे तो ये आएगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, मान लिया कि आपने पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कौन से है, एक्स वाई जेड। यदि इसको मैं किस फॉर्म में लिखना चाहूँ, टेंसर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इसको यदि टेंसर की फॉर्म में लिखते हो तो अपने पास जो एक्स वाई जेड, कौन से निर्देश तंत्र में बात करें, एस निर्देश तंत्र में, तो इसको टेंसर की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, इसको एक्स वन लिखोगे, इसको एक्स टू लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, एक्स थ्री लिखोगे, ठीक है। यदि अपने पास कोई निर्देश तंत्र है जिसका नाम दिया है अपन ने एस डैश, और उसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, पी पॉइंट पे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश दे रखा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश को, इसको आप लिखोगे एस डैश है तो एक्स वन बार लगा के टू और बार लगा के थ्री। तो ये अपन जब इसको टेंसर की फॉर्म में लिखेंगे कोऑर्डिनेट को, तो अपन इस रूप में लिखते हैं, एक्स वाई जेड होगा तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिखेंगे, यदि एस डैश की बात करेंगे तो ऊपर बार लगा के वन टू थ्री लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको ध्यान नहीं होंगे तो ही काम आएगा। एक क्रॉनिकल डेल्टा की टर्म को आप ऐसे भी लिखते हो, डेल आई जे है, तो यदि उसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो, यदि आई इक्वल टू जे है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। यदि आई नॉट इक्वल टू जे है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। एक ये टर्म भी ध्यान रखना, यदि मान लिया कि अपने पास क्या हो, डेल आई जे की बात कर रहे हैं, डेल आई जे की बात कर रहे हो, यदि आई और जे क्या होता है, सेम होता है, तब तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। यदि आई नॉट इक्वल टू जे होता है तो अपने पास जो टर्म आती है वो क्या आती है, अपनी जीरो आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रॉनिकल डेल्टा क्या बताता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, किसका फॉर्म है, ये टेंसर का फॉर्म है, कौन सी फॉर्म में होता है, मिक्स्ड टेंसर की फॉर्म में होता है। इसको मैं यदि लिखना चाहूँ तो ये किस फॉर्म में लिख दिया, ये क्या बताता है, ये अपने को आंशिक यानी पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं इसे, तो ये इसको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में आप बदल सकते हो। इसका जो वैल्यू होती है, यदि आई जे इक्वल है तो वन आएगा, आई नॉट इक्वल टू जे है तो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा का कंसेप्ट था, तो टॉपिक लगाइए क्रॉनिकल डेल्टा और इसमें लिखिए। ये मैंने सारी स्पेलिंग गलत लिखी है, KRONECKER आता है, क्रॉनिकल डेल्टा है, ठीक है ना, कि क्रॉनिकल डेल्टा, इंग्लिश वाले ध्यान रखना ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक है। इसमें लिखिए क्रॉनिकल डेल्टा में कि क्रॉनिकल डेल्टा एक गणितीय डेल्टा फलन है, क्रॉनिकल डेल्टा एक गणितीय डेल्टा फलन है जो कि प्रदिश संकेत पद्धति को निरूपित करता है, जो कि प्रदिश संकेत पद्धति को निरूपित करता है। क्रॉनिकल डेल्टा एक गणितीय डेल्टा फलन है जो कि प्रदिश संकेतन पद्धति को निरूपित करता है। उसके आगे लिखना, वह डेल्टा फलन जो कि प्रदिश भौतिक राशि को वह डेल्टा फलन जो कि प्रदिश भौतिक राशि को आंशिक अवकलन के रूप में व्यक्त करे वह डेल्टा फलन जो कि प्रदिश भौतिक राशि को आंशिक अवकलन के रूप में व्यक्त करे क्रॉनिकर डेल्टा कहलाता है, क्रॉनिकर डेल्टा कहलाता है। वह डेल्टा फलन जो कि प्रदिश भौतिक राशि को आंशिक अवकलन के रूप में व्यक्त करे क्रॉनिकल डेल्टा कहलाता है। क्रॉनिकल डेल्टा को डेल आई जे से व्यक्त करते हैं, जो डेल आई जे लिखा हुआ है अपन को इससे व्यक्त करते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा को डेल आई जे से व्यक्त करते हैं। लिख लीजिए क्रॉनिकल डेल्टा को डेल आई जे से व्यक्त करते हैं, और डेल आई जे क्या है, ये तो है सुपर स्क्रिप्ट में, ये है अपना सब स्क्रिप्ट में, ठीक है। हिंदी वाले लिख लेना, ये शीर्षांक के रूप में है और ये किस में है, पादांक के रूप में है, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद लगाइए क्रॉनिकल डेल्टा के गुणधर्म, जो मैंने समझाया है वही लिखा रहा हूँ, लगाइए क्रॉनिकल डेल्टा के गुणधर्म, और उसमें फर्स्ट लगाइए कि यदि डेल आई और आई होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है, ठीक है। फिर लगाइए डेल वन वन प्लस डेल टू टू प्लस डेल थ्री थ्री
डेल एन एन होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, एन आती है। थर्ड लगाइए कि डेल इज इक्वल टू क्या होती है अपने पास, यदि वैल्यू की बात करें आई जे की, यदि आई इक्वल टू जे होता है तो वन, आई नॉट इक्वल टू जे होता है तो क्या होता है, जीरो। ठीक है, एक ले लेता हूँ कि अपने पास डेल आई के लेना है, और इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि डेल आई लिख लिया, यहाँ पे जे लिख लिया, डेल जे लिख लिया, यहाँ पे एल्फा लिख लिया, डेल एल्फा लिख लिया, और यहाँ पे के लिख लिया। तो देखो ये अपन ने जो लिखा है वो सही है क्या, बताओ बताओ ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। अपन को क्या लिखना था, डेल आई के, और अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, डेल आई जे। तो देखो इसका जो पादांक है इसका शीर्षांक है, तो इस मान लो कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि जे जे आया है तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि जे जे कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, डेल आई एल्फा बचेगा। ठीक है, पर अपन को क्या चाहिए, डेल आई के चाहिए, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, डेल आई जे और डेल जे और के, तो ये भी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल ही होता। यदि मैं इसमें और टर्म बढ़ा दी, यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा लगा दिया तो यहाँ भी अल्फा लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। और यदि और भी आप टर्म बढ़ाना चाहो तो इसमें यहाँ पे बीटा भी लिख सकता हूँ, एल्फा लिख लिया तो यहाँ पे बीटा लिख लो, तो एक टर्म और बढ़ जाएगी, डेल बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। तो आप जितनी भी टर्म बढ़ाना चाहो वो ठीक है, पर अब ध्यान रखना कि इसका जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका पादांक इसके शीर्षांक के इक्वल होना चाहिए, यहाँ जी है तो यहाँ भी जी, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो फर्स्ट टर्म आई थी तो आई, और जो पादांक में के था तो के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। फाइव प्रॉपर्टी कौन सी लिखनी है अपन, एस निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं कि डेल आई जे, यदि एस निर्देश तंत्र में लिखते हैं तो एस निर्देश तंत्र में क्या आती है, वो अपन ने अभी टर्म लिखी थी तो वो आती है अपने पास डेल एक्स, बाहर नहीं आएगा, डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स जे। ठीक है, ऐसे ही यदि एस डैश निर्देश तंत्र में बात करते हैं तो ये क्या आएगा, एस डैश निर्देश तंत्र में तो ये आ जाएगा अपने पास डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे। तो ये पांचों प्रॉपर्टी लिख दीजिए आप, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब एक नीचे ये पांचों प्रॉपर्टी, पांच छह प्रॉपर्टी लिख दीजिए, इसके बाद एक नोट लगाइए। इसके बाद एक नोट लगाइए, लिख दिया होगा, हटा दो इसको। एक नोट लगाइए और उसमें लिखिए, देखो नोट लगाइए और उसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए नोट में, फर्स्ट क्या लिखिए कि माना एक एस निर्देश तंत्र में, माना एक एस निर्देश तंत्र में, माना एक एस निर्देश तंत्र में कोई कर्ण बिंदु पी पर उपस्थित है, माना कोई एस निर्देश तंत्र में कोई कर्ण बिंदु पी पर उपस्थित है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, अतः इसको प्रदिश रूप में, अतः इसको प्रदिश रूप में निम्न प्रकार लिखेंगे, अतः इसको प्रदिश रूप में निम्न प्रकार लिखेंगे। तो निम्न प्रकार जो जो बताया वो, यानी x को कैसे लिखना है x1, y को कैसे लिखना है, y को लिखना है x2, और z को कैसे लिखना है x3। ऐसे इसके निर्देशांक यदि प्रदिश रूप में बात करूँ तो s निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे अपन, निर्देशांक के फॉर्म में लिखेंगे तो x1, x2 और x3। ठीक है, ऐसे का ऐसे सेम दूसरा पॉइंट लगा के लिखना है s डैश निर्देश तंत्र में, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद एस डेस का लिखना है। दूसरा लिखिए इसमें दूसरा पॉइंट कि माना कोई एस डेस निर्देश तंत्र में, माना कोई एस डेस निर्देश तंत्र में कोई कर्ण बिंदु पी पर उपस्थित है,
माना एस डैश निर्देश तंत्र में कोई कर्ण बिंदु पी पर उपस्थित है जिसके निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। किसकी बात करें अपन? एस डैश की। तो यहाँ पे पी पॉइंट, इसके निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम एस डैश, ये था इसके निर्देशांक। तो इसको प्रदिश रूप में निम्न प्रकार लिखेंगे, तो इसको प्रदिश रूप में निम्न प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेना प्रदिश रूप में निम्न प्रकार लिखेंगे। निम्न प्रकार लिखेंगे और उसमें क्या लिखना है, जो x है उसको मैं लिख सकता हूँ, एस डैश निर्देश तंत्र की बात हो रही है तो एक्स वन, ऐसे जो वाई डैश है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बार टू, और जो जेड डैश है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बार थ्री। यानी इसके जो निर्देशांक की बात करो तो इसके निर्देशांक किस फॉर्म में आएंगे आपके पास, एक्स वन बार, एक्स टू बार और एक्स थ्री बार, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने, ये नोट में लिखना था कि कोई भी निर्देशांक यदि प्रदिश रूप में लिखना है, यदि एस निर्देश तंत्र है तो इस फॉर्म में आएंगे, एस डैश निर्देश तंत्र है तो इस फॉर्म में आएगा। ये चीज़ आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है, हमेशा आगे बहुत काम आएगी। हो गया, समझ में आ गया होगा, ये भी लिख दिया होगा आपने। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन इस वीडियो को क्लास को स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि किसी निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई को क्रॉनिकर डेल्टा के रूप में व्यक्त कीजिए, क्रॉनिकर डेल्टा के रूप में किसी निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई को क्रॉनिकर डेल्टा फलन के रूप में निरूपित कीजिए, क्रॉनिकर डेल्टा फलन के रूप में निरूपित कीजिए। और फलन क्या बता रहा है, जो फलन निकालना है अपन को ये दे रखा है इसने, डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल आई जे और डी एक्स आई और डी एक्स आई, इस टाइप से कोई इसने फलन दे रखा है, जहां पर दे रखा है आई, ये चीज़ इसने दे रखी है। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को, इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या दे रखा है, किसी निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई को क्रॉनिकर डेल्टा फलन के रूप में लिखना है। तो अपन जानते हैं सबसे पहले तो अपन को वेक्टर लेंथ यानी सदिश लंबाई, जो इसके पीछे वाला चैप्टर था उसमें मैंने वक्र लंबी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सदिश लंबाई की इक्वेशन बताई थी कि जो सदिश लंबाई होती है वो क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। तो वो इक्वेशन क्या होती है वो आपको लिखनी है, तो डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच वन डी यू वन स्क्वायर प्लस एच टू डी यू टू स्क्वायर प्लस एच थ्री और डी यू थ्री स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि वक्र कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते थे उसे, वक्रलांबिक निर्देश तंत्र में हिंदी के बड़े याद भी नहीं रहते, वक्रलांबिक निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई, ठीक है। अब यदि मैं कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यदि कार्टेशियन निर्देश तंत्र की बात करूं तो आप जानते हो क्या, जानते हो कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो H1, H2, H3 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सबको पता होगा शायद, पहले के वीडियो अगर आपने देखे हैं, पहले के लेक्चर अटेंड किए तो H1 1 होता है, H2 1 होता है, H3 1 होता है। ऐसे ही अपने पास U1 कितना होता है X, U2 कितना होता है Y और U3 कितना होता है Z होता है। ये तो अपन ने किस में लिखा है, कार्तीय निर्देश तंत्र में। अब इसको मैं यदि प्रदिश के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा,
अब देखो प्रदिश रूप में लिखना है तो जो x होगा यानी जो u1 आएगा वो तो किस फॉर्म में आएगा अपना x1, जो u2 आएगा वो किस फॉर्म में आएगा x2, और जो या फिर अपन ऐसे लिख सकते हो कि जो प्रदिश रूप में x होता है वो किसके इक्वल होता है x1, जो y होता है वो किसके इक्वल होता है x2, और जो z होता है वो किसके इक्वल होता है x3। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो u1 आएगा वो x1, जो u2 आएगा वो किसका आएगा x2, और जो u3 आएगा वो किसका आएगा x3। ठीक है, तो यदि मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, ये इक्वेशन एक हो गई, तो देखो इसको मैं इक्वेशन के रूप में रखता हूँ तो डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू h11 हो जाएगा, डी यू वन है तो डी यू वन की जगह क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा डी एक्स टू का स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा डी एक्स थ्री का स्क्वायर, यही आएगा। अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि ये क्या है अपना डी एल स्क्वायर है, तो इसको मैं जब स्क्वायर है तो अलग अलग करके लिख सकता हूँ, यानी देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि डी एक्स वन और डॉट डी एक्स वन। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का डी एक्स टू डॉट डी एक्स टू प्लस डी एक्स थ्री डॉट डी एक्स थ्री, लिख सकता हूँ क्या, बताओ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ये क्या हो गया अपना, देखो यहाँ पे सेम हो गया, वन वन है तो इस वन सेम है, टू टू है, थ्री थ्री है, यानी इसको यदि मैं व्यापक रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, व्यापक रूप में जो सदिश लंबाई को लिख सकता हूँ डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स आई और डी एक्स आई, बताओ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जो अपने पास आया है इसमें यदि जहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन से थ्री की वैल्यू हो जाएगी, जहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास वन टू और थ्री, तो यहाँ पे इसको व्यापक रूप लिख सकता हूँ। अब देखो अपन को ये वाली टर्म तो आ गई डी एक्स आई डी एक्स आई, अपन को क्या चाहिए डेल आई जे, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं लगा सकता हूँ वन, क्या लगा सकता हूँ वन डी एक्स आई और डी एक्स आई। ठीक है, अब जब वन लिखा है तो वन को मैं क्रॉनिकर डेल्टा के फॉर्म में लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ कि क्रॉनिकर डेल्टा क्या होता है डेल आई जे डी एक्स आई और डी एक्स आई। ठीक है, और अपन जानते हैं कि जहाँ पर आई इज इक्वल टू जे होता है तो क्रॉनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि जहाँ पर आई इज इक्वल टू जे होता है वहाँ पर क्या होगा वन होगा, आई नॉट इक्वल टू जे होगा वहाँ पर क्या होगा जीरो होगा। तो देखो डेल आई जे की वैल्यू यहाँ पर आई इज इक्वल टू जे पहले से ही दे रखा है कि ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, तो अपन यदि ये वाली कंडीशन लगाते तो आई इज इक्वल टू जे कितना आना चाहिए वन, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी वन, तो वन अपन ने माना है कुछ नहीं था तो वन, और ये टर्म आ ही रही थी तो अपना ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो आप कह सकते हो कि किसी भी निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई को क्रॉनिकर डेल्टा के फलन के रूप में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये अपना क्या हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लिखो लिखो फिर मैं आपको कुछ बता देता हूँ कुछ क्लास रिलेटेड। देखो कोर्स की टेंशन किसी को नहीं लेनी है, आप ऐसा मत समझना कि दिसंबर आ गया है और अभी तो फर्स्ट यूनिट ही चल रही है और कैसे होगा कोर्स, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो भी शायद बोर्ड के एग्ज़ाम जब मई में होने जा रहे हैं तो आपके भी जो मार्च वाले एग्ज़ाम है वो लेट होंगे, तो इसलिए कोर्स की टेंशन नहीं लेनी है। और यदि मार्च में भी हो जाती है तो ये जिम्मेदारी मेरी है कोर्स पूरा करवाना, मैं पूरा करवाऊँगा आपसे, तो कोर्स की चिंता छोड़ दीजिएगा, जो भी है आप स्टेप टू स्टेप चलते जाइए, जो रेगुलर क्लासे आते जा रही हैं उसको अटेंड कीजिए, और जो आप कोई नए स्टूडेंट है जो ज्वाइन होना चाहती है किसी भी कॉलेज के हो राजस्थान यूनिवर्सिटी के होने चाहिए, तो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग सिलेबस लेकर चल रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास फर्स्ट ईयर का चांस तो खो चुके हैं आप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो क्या हुआ कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से आपको क्या हुआ कोरोना की वजह से जो आपका रिजल्ट है वो पता नहीं किस बेस पे बनेगा, ट्वेल्थ बेस पे बनेगा या मिनिमम मार्क्स देके पास आउट करेंगे, तो आपके पास अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर डिग्री में परसेंटेज बनाने के लिए केवल दो मौके हैं, एक तो सेकेंड ईयर का है एक थर्ड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में यदि भी आप परसेंटेज नहीं बना पाते तो फिर आपकी पूरी डिग्री कम परसेंटेज की आएगी, जो क्या है कोई मतलब की नहीं रहेगी, तो आपको अभी से सचेत हो जाना है, अभी से आपको एक्टिव हो जाना है, क्योंकि पता लग गया यदि फर्स्ट ईयर के परसेंटेज आते हैं जब तो उसकी हेल्प मिल जाती सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, अब वो भी नहीं आ रहे अपने पास कोरोना की वजह से, तो आपके जो परसेंटेज आ रहे हो किस वजह से आ रहे केवल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की वजह से आएंगे, पूरी डिग्री एग्रीगेट किसकी वजह से आएगी केवल इन दो परसेंटेज दो ईयर की वजह से आएगी,
तो आपको एक्टिव रह के ध्यान में पहले से ही एक्टिव रह के ध्यान रखना है कि कैसे कोर्स को अच्छे से अच्छे कवरअप करें और अच्छे परसेंटेज बनाएं, क्योंकि सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम तो लगेगी, अगले साल लगनी है, तो वो चाहे मई में लग जाए चाहे लेट लगेगी, पर लगेगी तो ज़रूर। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से जल्दी जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी कहना कि क्लासेज ज्वाइन करें, यदि कोई इंटरेस्टेड है करना चाहे तो कर सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, क्योंकि इतनी कम फीस में आपके घर पर जो मटेरियल मिल रहा है वही बड़ी बात है ना। आपको कहीं घर से बाहर जाना है ना कहीं कॉलेज में जाना है, और कॉलेज खुलने की न्यूज़ अभी तक तो कोई आई नहीं है, वैसे 31 दिसंबर तक तो बंद ही है अपने पास कॉलेज, और आगे का पता नहीं, अभी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, ओपन होगी या नहीं होगी वो कुछ अता पता नहीं है। ओपन होगी भी तो भी अभी रिस्की वाला मामला है, कोरोना के केस अभी भी चल ही रहे, तो आप रिस्क ना लें, घर बैठे आप पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम का टाइम आएगा जब तक सब कुछ आपको कवरअप हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ। तो ये मैंने क्या बताया, आज जो टेंसर टेंसर का बेसिक था वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसका एडिशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, कैसे इसकी रैंक लिखते हैं, तो वो सब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप सभी सेहत का ध्यान रखिए, ठंड आ गई है। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।